नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोरोइड्स में। ऑटो एक्सपो 2020 का हमारा कवरेज जारी है और यहाँ पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है महिंद्रा का नया अनवील। ये कॉन्सेप्ट कार है और ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन महिंद्रा ने ये अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पेश किया है। उसका नाम है फनस्टर। अब देखने में ये गाड़ी आपको शायद कुछ कुछ एक सेडान के जैसे लगे, लेकिन ये एक SUV है जो कि कन्वर्टिबल है और ओपन टॉप मोटरिंग को 4x4 जो एक कैपेबिलिटी होती है उसके साथ साथ कन्वर्टिबल शेप देने का काम किया है यहाँ पर महिंद्रा ने। और ये एक फुली इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल SUV कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपको परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा और जो स्टेटेड पावर आउटपुट है यहाँ पर वो है 230 किलोवाट, यानी लगभग 308 हॉर्स पावर का यहाँ पर पीक पावर है। और ये गाड़ी 200 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा की स्पीड कर सकती है, 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर जो है लगभग 5 seconds। और अगर आप इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 59.1 किलोवाट आर की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ये गाड़ी फंक्शनल नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आपको फिनिश के अंदर कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिश यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नीचे यहाँ पर आपको देखिए ये फनस्टर लेटरिंग मिलेगी और ऊपर आपको ये ट्रिपल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलेंगे और ये LED DRLs भी मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आप इसकी ग्रिल देखेंगे तो ग्रिल पर भी आपको LED मिलेगी। ये 21 इंच के यहाँ पर व्हील्स हैं जो कि इल्यूमिनेटेड हैं। यहाँ पर लो विंड ड्रैग के लिए ये जो शेप देख रहे हैं ये स्पेशल शेप आपको मिलेगी। और ये फेंडर्स और नीचे जो सिल्स हैं यहाँ पर भी आपको ये ब्लू लाइटिंग वाला इफेक्ट मिलेगा, ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। पीछे भी आपको ये फनस्टर की ब्रांडिंग मिलती है और ये फॉ डिफ्यूज़र मिलता है। अब ये फॉ है कि ये वाकई में काम करेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन ये पीछे महिंद्रा की ब्रांडिंग है। और जो पीछे टेल लाइट्स हैं पूरी तरह से LEDs है, बहुत ही बड़ा LED क्लस्टर यहाँ पर आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा LED क्लस्टर यहाँ पर दिया गया है टेल लैंप्स के तौर पर। पीछे जो हॉन्चेस हैं यहाँ पर आपको ये स्ट्रॉन्ग एक लाइन नज़र आएगी और यहाँ पर भी आपको अगर आप देखेंगे तो डोर्स के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे से एक ये कर्व्ड स्वीप अप लाइन आपको नज़र आएगी। जो विंड स्क्रीन है यहाँ पर ज़्यादा ऊंची नहीं है, काफ़ी छोटी एक विंड स्क्रीन यहाँ पर दी गई है। अगर आपने पुरानी स्पीड बोट्स अगर देखी होंगी तो स्पीड बोट्स से इंस्पायर्ड ये कुछ कुछ विंड स्क्रीन है। और ये डोर्स देखिए, इसके सीज़र डोर्स हैं, इस तरीके से खुलते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। लैम्बोर्गिनी कार्स में आपने इस तरह के सीज़र डोर्स देखे होंगे और ये जो है ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं जब खुल जाते हैं। तो बॉनेट के ऊपर आपको ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक पियानो ब्लैक एप्लीक मिलेगा। और इसका जो ग्रिल है, ये जो ग्रिल है ये मल्टी कलर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये अभी ब्लू है और अभी कुछ देर में ये वाइट हो जाएगा। और ये मूविंग है, यानी कि ये डायनामिकली जो लाइट्स हैं ऑन और ऑफ होती हैं। महिंद्रा का जो एम्बलम है ये भी देखिए यहाँ पर इल्यूमिनेटेड है। सामने आपको ग्रिल की जगह ये जो बड़ा बम्पर है यहाँ पर ये हेक्सागोनल शेप्स नज़र आएंगे। और चलिए अब इस गाड़ी को ज़रा अंदर से भी देखें कि कैसी नज़र आती है। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको स्टीयरिंग जो है वो नज़र आएगा। ये स्टीयरिंग का जो शेप है ये बहुत अलग किस्म का है और एक राउंड स्टीयरिंग जो जनरली होता है वैसा नहीं मिलेगा आपको। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये चालू नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि स्क्रीन किस तरह की होगी। एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन आपको मिलेगी जहाँ पर सेंटर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट कंसोल दोनों ही एक ही लाइन में इंटीग्रेटेड रहेंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। और ये देखिए ये सीट जो है ये बकेट सीट है, स्पोर्टी सीट्स हैं। यहाँ पर सामने वाले डोर के थ्रू ही आपको पीछे जाना होगा और पीछे दो लोगों के बैठने के लिए जगह आपको मिलेगी। यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ये इल्यूमिनेटेड है और आप यहाँ से वो AC वेंट्स के नॉब्स भी देख सकते हैं। ये देखिए डोर्स यहाँ पे फिर से बंद हो रहे हैं और वो आप बंद होने से पहले एक्सेलरेटर पेडल और ब्रेक भी देखिए, उसका शेप कुछ अलग किस्म का है। और यहाँ पर क्या क्या फीचर्स फंक्शनैलिटीज़ आपको अंदर मिलेंगी ये अभी तक हमें बताया नहीं गया है, लेकिन देखने में ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। हालांकि ज़्यादा अच्छे से और फिनिश्ड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पीछे ये हेडरेस्ट जो है ये टिपिकली जो कन्वर्टिबल स्टाइल में है, आप अगर मर्सिडीज़ या फिर ऑडी या फिर BMW की कन्वर्टिबल कार्स देखेंगे तो आपको पीछे के हेडरेस्ट जो हैं वो कुछ कुछ इसी तरह के नज़र आते हैं। यहाँ पर रोल ओवर प्रोटेक्शन भी होता है, जब गाड़ी अगर कभी फ्लिप हो जाए तो ये जो हेडरेस्ट है पीछे के ये इंटरनेशनल गाड़ियों में बाहर निकल आते हैं ताकि सर पे चोट ना लगे। यहाँ पर वो है कि नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये जो इंटीरियर है ये कुछ ऐसा नज़र आता है। देखिए
बीच में आपको ये मोड्स के लिए बटन दिए गए हैं और ये सीट्स जो है फैब्रिक में फिनिश्ड है ग्रेइश ब्लू के अंदर, और स्टीयरिंग को भी आप नज़दीक से देख सकते हैं यहाँ से, जो कंट्रोल्स हैं एसी के वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, और हज़ार्ड स्विच और बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो नज़र आएंगे। जो पूरा डैशबोर्ड है ये अल्केंतारा लेदर में फिनिश किया गया है। अल्केंतारा एक किस्म का मटेरियल होता है, पूरा इंटीरियर अल्केंतारा में फिनिश किया गया है, और यहाँ पर भी आपको ये ब्लू हाईलाइट्स नज़र आएंगे। ओवरऑल डिज़ाइन जो है गाड़ी की वो काफ़ी स्पोर्टी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व या बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है ऐसा मैं नहीं कह सकता। कहीं कहीं पर इसमें आपको रफनेस नज़र आएगी, ऐसा लगता है कि ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा इवॉल्व हो सकती थी, ज़्यादा एक रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन हो सकती थी। तो इसकी जो पावर है पीक मैंने आपको बताया था 308 हॉर्स पावर 0 to 105 सेकेंड्स में, और टॉप स्पीड 200 किलोमीटर्स प्लस, बैटरी 59.1 किलोवाट आर। तो ये है महिंद्रा का फनस्टर कॉन्सेप्ट, जो कि देखने में काफ़ी फंकी लग रहा है, एक टॉपलेस कन्वर्टिबल ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। डोंट मिस दैट ORVM कैमरा, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा मिल, यहाँ पर कोई मिरर नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा मिलेगा जिसका जो स्क्रीन है उस पर प्रोजेक्शन होगा, और आपके आसपास जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपको उस कैमरा के द्वारा स्क्रीन पर नज़र आएंगी। तो ये है दोस्तों महिंद्रा की फनस्टर, और हमारा ऑटो एक्सपो 2020 का कवरेज जारी है। हम लोग अभी महिंद्रा के स्टॉल पर हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे और हमारे अपडेट्स जारी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोरॉइड्स को, और बने रहिए क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। अगले वीडियो तक मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।